यार अगर लड़का 7 बजे तक बाहर टाल रहा है मतलब लड़के में खोट है, क्योंकि अभी तक लड़के को घर में होना चाहिए और ये मतलब लड़का लेट से उठता है। चूंकि 7:30 बज रहा है यार, इतना लेट हो गया अब तो पैदल जाना मुमकिन नहीं, सो साइकिल लेना तो बनता है, तो साइकिल लिया जाए। भाई लेट होने पर रोड का कुछ यू नजारा होता है। तो दिन के 3:30 बज रहे हैं और आज थोड़ा फुर्सत से पतरातू वैली जाना हो रहा है। यार जो भी बोलो, रांची से बाहर निकलने पर रोड देखकर बड़ा खुशी होता है। एक तो इतना खाली और यार गाड़ी भी चलाने में काफी मजा आता है। ओ मेरा, ये जो सामने पहाड़ नजर आ रहा है ये है पिटपोरिया का पहाड़ी। यार इधर से जैसा भी दिख रहा हो ऐसा, इसमें चढ़ने के लिए भी सीढ़ी वगैरह बनाया गया है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, तो अगर पहाड़ घूमना है तो वो वीडियो देख सकते हो। तो हम लोग पिटोरिया चौक पहुंच चुके हैं। ये है आपका पिटोरिया चौक। लास्टली हमें यहाँ आगे पेट्रोल पंप है, वहाँ से फ्यूल लेना होगा। अगर यहाँ नहीं लेते हैं तो भाई डायरेक्ट अब पतरातू घाटी पार करने के बाद ही मिलेगा। तो अगर घाटी जा रहे मतलब पतरातू जा रहे हो तो भाई अगर पेट्रोल कम है तो यहाँ भरवा लेना ही फायदेमंद है। पिटोरिया पार करने के बाद बस चले तो यार यहाँ पर एक मंदिर है, जय मां दू वरसी। मतलब टेम यहाँ से 14 किलोमीटर है और आपका वैल्यू व्यू पॉइंट 7 किलोमीटर है। मेरे पीछे जो बंदा बैठा है वो कुछ ज़्यादा हिल रहा है, जिसके कारण मैं गाड़ी तेज नहीं चला सकता। उसके हिलने के चक्कर में पता चल रहा मैं आगे निकल गया, बच्चा पीछे रह गया। वाओ, तो कुछ ऐसा नज़ारा है यार यहाँ का। आप इसे जलेबी घाटी भी बोल सकते हो। ऐसे ये जलेबी घाटी के नाम से जाना भी जाता था। जो है भेली व्यू पॉइंट, मतलब यहाँ से जो नज़ारा है जो भी बोलो यार, बहुत ये कुछ अद्भुत नज़ारा है देख के। तो अब मेरे को लगता है अब घाटी में उतर के देखना चाहिए, तो चलिए जलेबी घाटी का आनंद लिया जाए।
वाह यहाँ से क्या व्यू है यार, मतलब टीम प्लस हथी, वाह यहाँ से है भाई तुम्हारा। वाह यहाँ से क्या व्यू है यार, जो भी बोलो बड़ा जबरदस्त दिख रहा। पतरातु डैम यहाँ तो अभी यार निर्माण कार्य चल रहा है, काफी हद तक बन भी चुका है। पानी देखें 20 रुपये यहाँ, और ठंडा नहीं है तो 12 रुपये है। ओहो तो पतरातु डैम का कुछ ऐसा नज़ारा है यार, कुछ जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो आना तो बनता है। घास में चलना मना है यार, यहाँ तो बच्चे लोग के गार्डन है, यहाँ पर घास लगाया जा रहा है, घास लगाया जा रहा है ना। यार अभी तक तो कंस्ट्रक्शन चालू है, यहाँ काम करने वाले की जितना जनसंख्या है उससे कहीं ज़्यादा घूमने वाले की संख्या है। ये कि ये जो सामने दिख रहा है क्या है बताओ तो, और यहाँ से घूम के जाना होगा। अबे इधर से घूमना होगा, मैं कहे इधर से घूम के जा सकता, कहे चढ़ने जा रहा है। अब बताओ जब रास्ता है तो तुम चढ़ने का क्या जरूरत। अब भाई इसे कौन समझाया, अब जब ये चढ़ गया तो मैं भी चढ़ ही जाता हूँ। हमारा बारी
क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं। हमको लगा सुंदर बन रहे हो तुम तो सुनील अपना रिव्यू देगा, बताओ क्या बनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? तो सौंदर्यकरण हो ही गया आपको दिन में तो लगेगा। हाँ, ये कुछ जो नया पथ बना है हम लोगों को तो बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। अगर कुछ ऐसा नज़ारा है मेरे को तो, ये सुनील अंकल जी तो कैमरा में बिजी है। और ये फिलहाल तो सूखा पड़ा हुआ है, पर जब मेरे को लगता है बरसात में पानी जब भर जाएगा तो यार जो भी बोलो यहाँ का नज़ारा बड़ा तगड़ा रहेगा, घूमने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो अब हमें वेट करना होगा कि भाई ये कब तैयार होता है और बरसात कब आती है, डैम कब भरती है। और अब पीछे देख घूम के देखता हूँ तो कुछ इस तरह से फिलहाल निर्माण कार्य चल रहा है, तो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। और वो जो दूर देखने को मिल रहा है वहाँ नौका विहार, मतलब भाई लोग नौका, मतलब जिनको नाव में बैठना है भाई वहाँ पर भीड़ है। पर मेरे को लगा नहीं था यार यहाँ आने पर इतना भीड़ मेरे को देखने को मिलेगा। तो सरप्राइज, ओहो ये तो आधा अधूरा यार बना हुआ है, जो भी बोलो। तो भाई अभी बन रहा है भाई, देख लो देख लो, उसके बाद जब दोबारा देखने को मिलेगा तो बना हुआ मिलेगा, क्या नज़ारा होगा। तो यार लगता है कितना बज गया टाइम का? 6:30 तो यार 6:15 आप हम लोग यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा घूमने को तो काफ़ी जगह है पर घूमने के लिए फुर्सत से आना होगा, जितना हमारे बस में था जितना कम टाइम में जितना घूम सके हम लोग ने घूमा। बाकी जो है उधर डेम ही है, तो चलिए घर की ओर। ओह वाह, तो यार हमारा जाने का टाइम हो गया, जो भी बोलो पहले की तुलना में यहाँ कुछ ज़्यादा ही भीड़ आता है आजकल। ओह जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ से रांची 35 किलोमीटर दूर है, तो अब हमें 35 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, देखता हूँ कितना जल्दी पहुँचता हूँ। रात में घाटी में चढ़ने उतरने में काफी अंतर हो जाता है यार, देख ले इधर ज्यादा।